गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स सो ऐसा है बड़े थक जाते हैं लगता आप लोग हाँ गुड आफ्टरनून आने देते हैं और लोगों को एकदम शांत शांत रहते हैं आप लोग एकदम आखिरी क्लास है ऐसा शांत नहीं रहना मस्ती करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं दूसरी क्लास में भी क्या करो सिर्फ मेरी क्लास में नहीं एकदम शुरू शुरू हुई जैसी क्लासेस एकदम मस्ती 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 चलो आने देते हैं लोगों को तब तक अपन एक काम करते हैं क्विकली रिवाइज तो कर ही लेते हैं सो so, <coughs> हम लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें हम बेलमेंट एंड प्लेज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे हमने बेलमेंट के टॉपिक को ऑलरेडी चालू किया था बेलमेंट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोजिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जिसमें एक पर्टिकुलर पर्पज़ होगा अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द थिंग शुड बी रिटर्न आ वापस कर दो और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एज़ पर द डरेक्शन्स ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम सो ये हमने देखा था इसमें हमने एग्जाम्पल्स देखे थे डिलीवरी कैसी हो सकती है तो पजिशन ट्रांसफ़र होना चाहिए सिर्फ कस्टडी ट्रांसफ़र होगी तो बेलमेंट नहीं होता फिर एग्जाम्पल्स देखे थे पहला एग्जाम्पल कार वाला जिसमें मैं आपको कार दे रहा हूँ बट मैं बदले में पैसे नहीं चार्ज कर रहा दूसरा अगेन कार वाला बट मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ तीसरा जब सनी कपड़े लेके जाती है टेलर के पास और वो उसको सिल के देता है और चौथा जब गाय का ख्याल रखने के लिए मैंने अपनी गाय को गुप्ता जी के घर पे रख दिया सो ये देखे थे फिर हमने अगली पिछली लास्ट क्लास में ये देखा था कि डिलीवरी का क्या मतलब है पर्पस होना चाहिए पर्पस एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए उसके लिए गुड्स दिए जाते हैं रिटर्न होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इवन ये भी देखा था कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट भी हो सकता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मेमन मोहम्मद वाला केस था जिसमें हमने देखा था कि बिना अगर परमिशन के भी गुड्स रख लिए बिना इच्छा के भी गुड्स रख लिए तो भी बेलमेंट हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती मूवेबल गुड्स होना चाहिए डिपॉजिट ऑफ मनी बेलमेंट नहीं होता ये देखा था हमने देन मोड ऑफ डिलीवरी देखे थे हमने डिलीवरी कैसे होगी तो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों हो सकती हैं कालिया पेरूमल वर्सेज विजा लक्ष्मी का केस पढ़ा था हमने जिसमें हमने देखा था कि अगर आपने चाबी अपने पास रखी है कंट्रोल ऑफ द गुड्स अपने पास रखा है तो ऐसे केसेस में जो बेलमेंट है वो अराइज नहीं होता एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नहीं आया एक शायरी आई है अर्ज किया है यू आर फ्रॉम सन टू मून कबूल लिया मेरा गुडा समझा ही नहीं मुझे <laughs> कुछ तो भी है तो अच्छा है जो भी है अच्छा है डिलीट भी कर दिया तो ठीक है आएगा फिर से आएगा चलो हाँ फिर से आया है चलो ठीक है मैं पढ़ता हूँ पहले आगे बाद में अपन शायरी शेर व शायरी ये सब बाद में देखेंगे अपन सो ड्यूटीज ऑफ बेली देखे थे हमने पिछली क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्यूटीज थी सिंपल सी थी और पहला था ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर रीजनेबल केयर का मतलब है आप खुद के गुच्छ की जितनी केयर करते हैं उतने ही दूसरों के गुच्छ की भी केयर करना चाहिए सो so, उतना केयर जितना आप खुद के गुड्स का करते हैं उसको हम बोलते हैं रीजनेबल केयर ठीक है रीजनेबल केयर के बावजूद अगर नुकसान होगा तो किसका होगा ओनर का बेलर का सिर्फ एक चीज ध्यान रखो ओनरशिप किसकी है बेनिफिट किसको मिल रहा है इसके ऊपर पूरे ये रूल्स डिपेंडेंट है फिर हमने देखे थे दूसरा रूल ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज गुड्स अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड जो गुड्स दिए गए हैं उसका अनऑथोराइज यूज़ नहीं करना जितना काम बताया गया मैक्सिमम उतना कर सकते हो आप उससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो जैसे धोबी के पास अपन ने कपड़े दिए तो वो पहन के नहीं घूमेंगे ठीक है सो so, वो सिर्फ प्रेस करेगा और वापस कर देगा फिर हमने देखा था ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विथ हिज ओन गुड्स विदाउट कंसेंट इसमें फिर दो चीज़ हो सकती है अगर विथ कंसेंट मिक्स किया सो so कोई दिक्कत नहीं है जो भी मिक्सचर तैयार होगा उसमें ओरिजिनल प्रोपोर्शन के हिसाब से दोनों जन शेयर करेंगे दूसरी चीज अगर उसको अलग नहीं कर सकते हैं हाँ दूसरी चीज़ विदाउट कंसेंट अगर किया तो दो चीज़ हो सकती है अगेन एक अलग कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकते अगर अलग कर सकते तो अलग किया जाएगा और अलग करने का जो खर्चा है ये पूरा बेली बेयर करेगा और अगर अलग नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल अगर आटे में आटा मिला दिया तो ऐसे केसेस में अलग नहीं कर सकते तो यहाँ पे जो भी मिक्सचर तैयार होगा बेली रखेगा बट ही विल बी लाइबल टू तो कॉम्पेंसेट द बेलर सो तो ये हमने ऑलरेडी देखा था <laughs> फिर ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स वापस करना पड़ता है एंड ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशंस जो एक्रीशंस भी होते हैं जो नेचुरल इंक्रीज होता है बढ़त होता है तो वो भी वापस करना पड़ता है तो ये हमने देखा था यहां तक कोई डाउट है क्या आपको कोई भी डाउट इसके बाद हम बेलर की ड्यूटीज की चर्चा करेंगे डायग्राम्स बना लिया करो हाँ ऐसा अब अब प्रॉपर शायरी आई अब समझ में आ रहा है अर्ज किया है यू आर द फेवरेट फ्रॉम सन टू मून कबूल कीजिए मेरा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आहा, धन्यवाद सो so, पिछली क्लास में हमने ये देखा था ये ड्यूटीज देखे थे अब हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर चलो यहां डायग्राम है तो यही बनाते ना को अपन जगह है डायग्राम है वहीं बनाते फिर से ऐसा है सो so, अब हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर तो इसकी क्या क्या ड्यूटीज है ठीक है पहले हमने बेली की ड्यूटीज देखे अब हम देखेंगे बेलर की ड्यूटीज तो बेलर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं तो आपको क्या लगता है बेलर की भी जिम्मेदारी होती होगी तो हां होती है बेलर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है कौन कौन सी देखते हैं बेलर की पहली जिम्मेदारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है टू डिस्क्लोज दी फॉल्ट इन दी गुड्स बेल्ट जो गुड्स दिए गए हैं बेलमेंट के तौर पे इनमें अगर कोई फॉल्ट है कुछ गड़बड़ है कुछ दिक्कतें हैं तो ये बताना पड़ेगा मैंने आपको कार दे दिया कार का ब्रेक लूज है ब्रेक लगता ही नहीं जल्दी से यहां लगाओगे तो आगे जाके लगेगा सो so, बताना पड़ेगा डिस्क्लोज टू डिस्क्लोज़ द फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ट जो मैंने गाय रख के आया था वो गाय मारती है कोई भी रेड कलर के कपड़े पहन के आया कि गाय आई और उसको उछाल दी सो so, ऐसे केसेस में बताना पड़ेगा ये डिफेक्ट है गाय में डिफेक्ट है वो गाय आएगी और मार देगी किसी को डिफेक्ट है ठीक है सो so, ये डिफेक्ट्स जो रहते हैं ना ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये आगे वाले को तो नहीं पता होते हैं कौन से डिफेक्ट बताना पड़ता है जो नहीं पता होंगे देखो जो पता रहते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि मैं आपको कार दे रहा हूं तो मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि भैया धीरे चलाना तेज मत चलाना ये आपको पता है बहुत तेज़ चलाएंगे तो एक्सीडेंट्स होने की संभावना होती है ये डिफेक्ट नहीं है लेकिन डिफेक्ट यानी क्या होता है जो नॉर्मली उन गुड्स में नहीं होता बट वो है आपके गुड्स में है जैसे कि ब्रेक लूज होना हेडलाइट बंद है मेरी कार की बताना पड़ेगा एक मटेरियल डिफेक्ट है हेडलाइट नहीं चलती हॉर्न नहीं बचता बताना पड़ेगा सो ये चीज़ें बताना जरूरी होता है तो डिफेक्ट्स सो टू डिस्क्लोज़ द डिफेक्ट्स इन द गुड्स बेल्ड तो जो भी उसमें कमी होगी जो भी उसमें खामियां होगी जो भी उसमें दिक्कतें होंगी ये चीज़ बताना पड़ता है अब <coughs> डिस्क्लोज करने के बाद भी नुकसान हुआ तो क्या मैंने डिस्क्लोज कर दिया था मैंने आपको बता दिया था कि देखो भैया ऐसा है कि इसमें ये तकलीफ है इसका हॉर्न नहीं बचता इसकी हेडलाइट नहीं चलती या फिर इसका ब्रेक लूज है मैंने बता दिया था तो इसके बाद आपने थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए ब्रेक लूज है तो थोड़ा धीरे धीरे चलें प्रॉपर चलें होता है कभी कभी बाइक्स में ख खासतौर पर होता है अपनी गाड़ी है अपने ब्रेक लूज है अपने को पता है फिर भी अपन चला लेते प्रॉपरली लेकिन दूसरा चलाएगा तो शायद दिक्कत जाए सो अल्टीमेटली ये जो फॉल्ट्स हैं ये आपको बताना पड़ेगा अगर आप बता देते हैं इसके बावजूद अगर आगे वाला गड़बड़ करता है और उसका नुकसान होता है तो फिर आप जिम्मेदार नहीं आपका काम है बस बताना है बता दिया ना फिर वो सावधान रहेगा ठीक है सो टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड जो भी गुड्स हैं जैसे कार है कार में अगर कोई फॉल्ट है डिफेक्ट है तो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड गाय है गाय में कोई डिफेक्ट है इट शुड बी इन्फॉर्म सो so, जो भी गुड्स बेल किए जाते हैं अगर कोई डिफेक्ट है तो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अब देखो यहां पे अब फर्क पड़ता है जो हमने चार एग्जाम्पल्स लिए थे आपको लग भी रहा था सर चार एग्जाम्पल्स की क्या जरूरत आ गई सो so, हमने जो चार एग्जाम्पल्स लिए थे उसके हिसाब से हम देखते हैं यहां पर अलग अलग एग्जाम्पल्स काम आएंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने के लिए जैसे कि पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें दो प्रकार के रूल्स निकलते हैं टू डिस्कलोज द फॉल्ट्स लेकिन ये दो अलग अलग प्रकार के बेलमेंट पे डिपेंड करता है अगर ये ग्रेटिशियस बेलमेंट है तो अलग रूल लगता है और नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है तो अलग रूल लगता है ग्रेटिशियस बेलमेंट में अलग रूल लगेगा और नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट में अलग जब ग्रैटिशियस बेलमेंट है जब मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ मैं बस ऐसे ही आपको हेल्प करने के लिए गुड्स दे रहा हूँ तो ऐसे केसेस में मैं सिर्फ तब जिम्मेदार होऊंगा जब मुझे पता था कि गुड्स में गड़बड़ है कभी तो कभी हो सकता है मुझे खुद को भी नहीं पता कि वो कार के ब्रेक लूज हैं सो वहाँ मैं जिम्मेदार नहीं होता सो ध्यान रखो जब ग्रेटिशियस बिलमेंट है मीन्स आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी मैं सिर्फ हेल्प करने को कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मुझे पता है कि गुच्छ में गड़बड़ है तो मुझे बताना है कोई दिक्कत नहीं वहां तो बताना ही पड़ेगा लेकिन अगर मुझे भी नहीं पता है तो क्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं वहां पे मैं जिम्मेदार नहीं होता जैसे अगर मैंने कार आपको ऐसे यूज़ करने दिया था जिसमें ब्रेक लूज थे बट मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी तो यहां अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं जो तो ग्रेटिश बेलमेंट में सिर्फ नोन फॉल्टस बताना पड़ता है नोन फॉल्ट्स के लिए जिम्मेदारी होती है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड बेल्ट ग्रेटिशियस बेलमेंट में ही इज लाइबल ओनली फॉर नॉन फॉल्ट्स तो सिर्फ जो पता है वो चीज़ें कुछ चीज़ नहीं पता थी उसके कारण आगे वाले को नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं ठीक है सो मुझे पता है तो फिर मैं जिम्मेदार रहूँगा दूसरा नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं जब मैं किराए से दे रहा हूँ का, कार को तो so, यहां तो ऑल फॉल्ट शुड बी डिस्क्लोज क्योंकि जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना फिर गुड्स में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए गुड्स शुड बी परफेक्ट जाहिर सी बात है आप कार किराए से देते हैं तो कार परफेक्ट होना चाहिए ना तभी आप किराए से देंगे आप अगर वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो फिर उस गुड्स में फिर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर आपको नहीं भी पता है तब भी लाइबल रहते हैं तो लाइबल फॉर ऑल दी फॉल्ट्स फॉर एग्जाम्पल मैंने कार किराए से दिया और मुझे नहीं पता है उसके ब्रेक लूज हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं तो ऐसे केसेस में क्या मैं लायबल रहूंगा तो यस मुझे नहीं पता है तो भी मैं लायबल होऊंगा क्योंकि जब पैसे की बात आ जाती है ना तो माना जाता है कि यू शुड नो एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए तो अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ बच नहीं सकते ये बोल के क्योंकि मुझे नहीं पता था ग्रेटिश बेलमेंट में हम बच सकते हैं ग्रेटिशियस बेलमेंट में नहीं पता था तो हम जिम्मेदार नहीं लेकिन नॉन ग्रेटिशियस है पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो परफेक्शन होना फिर गुच्छ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए यह हर जगह अप्लाई होता है तो आप जब भी पैसे के लिए काम करते हैं ना परफेक्ट होना चाहिए चीज़ें जैसे इवन टीचिंग में मेरा ये मानना है कि टीचिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए तो क्योंकि पैसे लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं तो कोई भी काम डॉक्टर है ऑपरेशन करता है परफेक्ट होना चाहिए हम बोलते हैं परफेक्शन नहीं होता बट मेरा ऐसा मानना है कि भाई जब भी आप कोई चीज़ पैसे के लिए करते हैं तो परफेक्ट होना चाहिए नहीं तो सोचो डॉक्टर ने मेरा हार्ट का ऑपरेशन कर रहा था गलती से एक बाजू वाली नस काट दिया बोला यार गलती हो गई वो इस बार तो वो पेशेंट तो गया <laughs> सो गया सो देखो गलती तो गलती नहीं होना चाहिए जब पैसा ले रहे ना परफेक्ट होना चाहिए एकदम ठीक है सो so, जब भी पैसे की बात आ रही है तो आपको नहीं भी पता है तो आप जिम्मेदार हो गए ठीक है वहाँ गलती वगैरह वाली बात नहीं आती तो इफ़ यू आर इवन इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फॉल्ट बट उसके कारण आगे वाले को नुकसान हुआ है तो आपको उसकी भरपाई करना पड़ेगा ठीक है और ग्रेटिशियस बेलमेंट में सिर्फ जो पता है वो फॉल्ट की भरपाई करना पड़ेगा तो ध्यान रखने वाली बात है अगर मैंने बता चुका हूं तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होता जैसे कि मैंने एक गाय थी वो गाय मैंने गुप्ता जी के यहाँ रख दिया अब वो जो गाय थी लाली वो गाय बड़ी विशियस है यानी वो लाल रंग देखती है तो एकदम भड़क जाती है और जाके वो उड़ा देती है आगे वाले को अब ये चीज मैं बताना भूल गया अब गुप्ता जी की वाइफ मिसेस गुप्ता गुप्ताइन वो आती है मस्त न्यू रेड कलर की साड़ी पहन के और गाय के सामने जा रही हैं वो और गाय भी आ रही है और गाय उनको उड़ा देती है मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने बताना चाहिए था ठीक है सो so, नोन फॉल्ट्स मुझे पता था यार तो मुझे बताना चाहिए अब यहाँ पे बता दिया उसके बाद समझो मैंने गुप्ता जी को बोला गुप्ता जी लाल कपड़े नहीं बिल्कुल नहीं लाल कपड़े अगर इसके सामने दिखे तो ये मारेगी मैंने बताया इसके बावजूद अगर मिसेस गुप्ता लाल साड़ी पहन के घूम रही हैं उसके सामने तो यहां पे मैं जिम्मेदार नहीं हूं बताया था मैंने आप फिर भी गलती कर रहे हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फेयर डिस्क्लोजर यू शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग इफ इट इज अ केस ऑफ ग्रेटिशियस बिलमेंट यू शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग दैट यू आर अवेयर एंड इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट वहां तो सब पता होना चाहिए आपको जब पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप बच नहीं सकते ये बोल के कि मुझे नहीं पता था ध्यान रखने वाली चीज है जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे दिस पॉइंट विल बी स्पेसिफिकली मार्क् मैं आपको स्पेसिफिकली मार्क कराऊंगा कि ये ये ध्यान रखो कि ये ग्रेटिशियस बेलमेंट है या नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वाली ड्यूटी अगर ग्रेटिशियस बिलमेंट है तो रूल अलग है नॉन ग्रेटिशियस है तो रूल अलग है इफ इट इज अ ग्रेटिशियस बिलमेंट देन बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पेंसेट फॉर नोन फॉल्ट इफ नॉन ग्रेटिशियस बिलमेंट देन ऑल फॉल्ट कोई भी फॉल्ट हो तो फिर आप पैसा तो देना पड़ेगा ठीक है सो so ऐसा है फर्स्ट ड्यूटी पढ़ते हैं सो वट आर द ड्यूटीज ऑफ बेलर बेलर की जिम्मेदारियां ड्यूटीज देख रहे हैं हम ड्यूटी टू डिस्कलोज फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड पहला है disclose the faults. जो भी गड़बड़ है जो भी गलतियां हैं जो भी दिक्कतें हैं गुड्स में वो आपको इन्फॉर्म करना है सेक्शन 150 फिफ्टी लेस डाउन तो लेस एक प्रकार की चिप्स है वो जब नीचे गिर जाती है तो हम उसको बोलते हैं लेस डाउन तो 150 फिफ्टी चिप्स चिप्स जमीन पे गिरी है 150 फिफ्टी लेस डाउन नहीं अरे कुछ भी सेक्शन so 150 बताता है लेज डाउन इन्हें बताता है दिस ड्यूटी ड्यूटी ये के बारे में सेक्शन 150 बताता है याद रखने की जरूरत नहीं है आप सोच रहे होंगे क्या सर इतना पानचट मार रहे आप एकदम ज्यादा तो ठीक है मैं मारता हूं जो लोग पहले पढ़ चुके उनको पता है जो नए हैं उन लोग को अब झेलना पड़ेगा और जरूरी हो जाता है लास्ट क्लास आते तक के ये चीजें जरूरी होती हैं तो पानचट वगैरह मारते रहना पड़ता है तभी आप लोग यहाँ पे बंधे रहते हैं ऐसा है आपको लगेगा भी नहीं फिर लास्ट क्लास है आप एंजॉय करने लगोगे सो सेक्शन 150 फिफ्टी लेस डाउन दिस ड्यूटी दिस सेक्शन मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ ग्रेटिशियस बेलर एंड अ बेलर फॉर अ रिवॉर्ड दैट इज नॉन ग्रेटिशियस एंड प्रोवाइड्स एस फॉलोज अगर ग्रेटिशियस बेलर हैं देन ही इज बाउंड टू डिस्कलोज टू द बेली ऑल दोज फॉल्ट ऑफ द गुड्स बेल्ड ऑफ विच ही इज अवेयर तो जाहिर सी बातें जो पता है वो तो बताना ही है आपको गड़बड़ है कुछ गलतियां हैं तो बताना है एंड विच मटेरियली इंटरफियर विद द यूज ऑफ देम तो जिससे फर्क पड़ रहा है मटेरियली का मतलब होता है जिससे फर्क पड़ता है तो मटेरियली इंटरफियर विद द यूज ऑफ देम तो ये नहीं बताओगे तो फर्क पड़ सकता है ब्रेक नहीं चल, लग रहे बराबर बताना जरूरी है लाइट नहीं चलती है हेडलाइट्स बंद है बताना जरूरी है क्योंकि इससे फर्क पड़ सकता है शाम को चला रहे है, लाइट नहीं है तो आप लाइट चालू करोगे बंद रहेगी तो ये चीज़ें ज़रूरी है बताना सो ऑफ विच इज़ अवेयर एंड विच मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज़ ऑफ दैम और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क ऑर्डनरी रिस्क नहीं बताना पड़ता है आपको सब नॉर्मल चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि भैया गाड़ी कैसी चलाना है कितनी स्पीड में चलाना सो सीट बेल्ट पहनना चाहिए ये सब तो पता ही होगा आपको तो वो चीज़ें थोड़ी बताना पड़ेगा कौन सी बताना है एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्क है जिसका तो एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्क एंड इफ ही फेल्स टू डू सो अगर वो फेल हो जाता है वो सीए कर रहा था इफ ही फेल्स 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 टू डू अरे फेल्स टू डू सो अगर वो नहीं बताता है तो क्या होगा तो ही विल बी जिम्मेदार ही विल बी लाइबल टू पे सच डैमेजेस टू द बेली एज मे हैव रिजल्टेड डरेक्टली फ्रॉम दि फॉल्ट तो जो भी नुकसान होगा जैसे गुप्ता जी के यहां पर नुकसान हो गया मैंने बताया नहीं और वो गाय ने मार दी सो so पूरा हॉस्पिटल का खर्चा मैं उठाऊंगा ठीक है तो ऐसा है अ ग्रेटिशियस बेलर विल नॉट बी लाइबल फॉर डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम टू द बेली फ्रॉम द डिफेक्ट विच ऑफ विच ही वॉज इग्नोरेंट ये ध्यान रखो ग्रेटिशियस बेलर उन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होता जो उसको भी नहीं पता थी तो ही वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर सो ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सच थिंग्स ठीक है इलू दिया है इलू इलू यानी इलुस्ट्रेशन आप वो वाला इलू नहीं सोचोगे तो नहीं तो एक गाना था इलू इलू क्या है ये इलू इलू, तो वो इलू, वो इलू अलग था ये इलू क्या है इलस्ट्रेशन ठीक है सो so हमारे लिए सब रूल बदल जाते हैं आपको पता है हमारे लिए बाबू यानी कौन तो बाबू ये ना सरकारी ऑफिसर वो हमारे लिए बाबू है हमारे लिए वो बाबू खत्म हो गया अब हम वो बाबू बेबी की बात नहीं करते अब सो ए अ हॉर्स तो ए ने एक घोड़ा था वो दिया सो लेंड्स अ हॉर्स विच ही नोस टू बी विशियस विशियस का मतलब होता है थोड़ा पागल कुछ तो भी करते रहता है घोड़ा घोड़ा उसने दे दिया और वो घोड़ा कुछ तो भी करता है ऐसा देख रहा है कोई सामने खड़ा है उसको काट दिया तो काट देता है या फिर पैर मारता है दुलत्ती मारता है दुलत्ती बोलते हैं तो कोई भी उसके पीछे खड़ा है देखेगा वो और ऐसे दो लात मार देगा पीछे वाला गिर गया सो so, एक घोड़ा है वो थोड़ा पागल है ये चीज मुझे पता है तो मुझे बताना पड़ेगा ठीक है तो ए लेंस अ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस टू बी ही डज नॉट डिस्कलोज द फैक्ट नहीं बताया दैट द हॉर्स इज विशियस द हॉर्स रंस अवे गया बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड बी बैठा था उसके ऊपर और बी गिर जाता है उसको चोट लग जाती है क्या जिम्मेदारी रहेगी तो यस इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर द डैमेज सस्टेन्ड तो जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करके देना पड़ेगा तो ऐसा है सेकेंड अ बेलर फॉर रिवॉर्ड बेलर फॉर रिवॉर्ड यानी नॉन ग्रेटिशस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिफेक्ट ऊपर क्या था ऑफ विच ही ऑफ दिस डिफेक्ट और नॉट उसको पता है या नहीं वो जिम्मेदार तो रहेगा क्योंकि पैसा ले रहा है वो पैसा ले रहा है तो गुड्स में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए परफेक्ट बना के दो अगर आप किराए से चलाते हैं कार तो वो कार अच्छी होना चाहिए उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं होना चाहिए इफ इट डज नॉट डिस्कलोज देम टू द बेली तो ऐसे केस में ही विल बी लाइबल फॉर ऑल दी इज अवेयर और नॉट अनलाइक अ ग्रेटिश बेलर इग्नोरेंस ऑफ द डिफेक्ट इज नो डिफेंस फॉर हिम वो ये बोल के बच नहीं सकता कि जज साहब मुझे नहीं पता था ये गुड्स में गड़बड़ है तो वो बच नहीं सकता तो ऐसा है एग्जाम्पल दिया है ए हायर्स जैसे ये वर्ड दिखेगा ना क्वेश्चन में भी ध्यान रखना हायर्स हायर यानी जितना ऊपर जाते हैं उसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर हायर नहीं वो हायर नहीं हायर यानी ये क्या है हायर मीन्स किराए से देना ये वर्ड दिखा दैट मीन्स इट इज फॉर रिवॉर्ड हायर कब वर्ड यूज करते हैं हम जब रिवॉर्ड है ठीक है ऐसे ही दे दिया तो लेंस वर्ड यूज करते हैं जनरली तो ये वर्ड पे खेल रहेगा कई बार क्वेश्चंस में आपको ये वर्ड स्पेसिफिकली ध्यान रखना है सो ए हायरस अ कैरिज ऑफ बी उसने एक कैरिज लेके आया कोई ट्रक वगैरह टाइप द कैरिज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट तो वो कैरिज सेफ नहीं है बी को नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं फिर भी वो जिम्मेदार रहेगा एंड इज इंजर्ड जख्मी हो गया वो घायल हो गया B is responsible to A for the injury. If the carrier was lent gratuitously, B would not be liable under the circumstances. Similarly, if B has told the fault to A, then also he would not be liable. अगर बता दिया होगा तब भी liable नहीं रहेगा, ठीक है? so ऐसा है. तो <coughs> इधर so बता दिया तब, या फिर gratuitous है तब, तो liability नहीं होती. तो so ऐसा है. तो so पहली duty यहाँ पे complete होती है. दूसरी है ड्यूटी टू रिपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इसको और डीप में बताऊंगा मैं अभी फिलहाल यहां लिख लो सेकेंड ड्यूटी थर्ड तो इंडेमिनिटी रहेगी सेकेंड ड्यूटी ड्यूटी टू रिपे नेसेसरी एक्सपेंसेस ड्यूटी टू रिपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन ग्रेटिशियस बेलमेंट ग्रेटिशियस बेलमेंट आगे भी ध्यान रखो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर पूरा लिखना जरूरी है पूरा जब पढ़ोगे तब समझेगा तो क्या बोला है ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन ग्रैटिशियस बेलमेंट बट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर ये रूल सिर्फ तब लगता है वेन इट इज अ ग्रेटिशियस बेलमेंट एंड बेलर का बेनिफिट है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर तो ये सिर्फ तभी लगेगा बाकी केसेस में दिस विल नॉट अप्प्लाई ठीक है, सो so, एग्जाम्पल देता हूं तीन एग्जाम्पल दूंगा पहला जब आपने मुझसे कार लेके गए कार मैंने आपको दे दिया आप कार चला रहे हैं, मैं पैसा नहीं ले रहा मैंने आपको कार यूज करने दिया मैं बोला जाओ जाओ सिमरन जाओ जी ले अपनी जिंदगी तो आप लेके गए कार मस्त घूम रहे फिर रहे हैं अब इसमें समझो मैंने आपको जब कार दिया पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूं पेट्रोल कौन डालेगा सोच के देखो आप यूज कर रहे हैं आप लेके जा रहे हैं पेट्रोल कौन डालेगा आप डालेंगे जाहिर सी बात है कि भाई आप कार यूज़ कर रहे हैं तो आप डालेंगे सोश बेनिफिश... बेनिफिशियरी जो है जिसको बेनिफिट मिल रहा है सो यहाँ आपको बेनिफिट मिल रहा है आप ऐसा नहीं बोलोगे सर सर कार की चाबी तो दे दिए सर हजार रुपये और दे दो पेट्रोल डाल दूंगा <laughs> सो हजार रुपये मैं नहीं दूंगा आप घूम रहे ना आप पेट्रोल डालेंगे सो वेन इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली बेली वहां यह जिम्मेदारी नहीं है यह जिम्मेदारी कब है जब बेलर के बेनिफिट के लिए है सो ड्यूटी टू रीपे नेक्सपेंसेस इन ग्रेटिशियस बेलमेंट अगेन अब ग्रेटिशियस के ऊपर चर्चा करते हैं ग्रेटिशियस बेलमेंट है मीन्स मैं जिसमें पैसा नहीं ले रहा हूं वो वाला वहां यह जिम्मेदारी है अगर नॉन ग्रेटिशियस होगा तो वहां पर नहीं होती ये जिम्मेदारी वहां पे पैसा चार्ज कर रहे हैं ना तो पैसे में सब इंक्लूड कर लिया मान लिया जाता है ठीक है सो so, हम क्या पढ़ रहे हैं ध्यान से देखो फिर से हम पढ़ रहे हैं बेलर की जिम्मेदारी कि नेसेसरी एक्सपेंस पे करे यानी मेरी कार है तो पेट्रोल कब मैं दूंगा जब मेरा काम होगा अगर आपका काम है तो आप पेट्रोल भराएंगे गाय का एग्जाम्पल लो अब गाय के एग्जाम्पल पे आते हैं ये क्या है ग्रेटिशियस बेलमेंट है गाय है मेरी लाली मैंने पहुंचा दिया गुप्ता जी के यहां गुप्ता जी उसको चारा पानी चना चूड़ा सब खिला रहे हैं जो भी खाती है वो तो उसको सब चीज़ खिला रहे हैं अब किसको बेनिफिट मिल रहा है इसका मुझे तो क्या पूरा खर्चा वो उठाएंगे बेचारे तो नहीं यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको खर्चा भरपाई करके दूं कि जो भी चारा पानी का खर्चा है वो तो मैं उठाऊंगा ना तो ये खर्चा मैं भरपाई करके दूंगा जितने भी खर्चे होंगे तो यहां पे ये रूल लगता है तो ये कैसा बेलमेंट है ग्रेटिशियस बेलमेंट गुप्ता जी मुझसे पैसा नहीं ले रहे फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर फायदा भी मुझे हो रहा है गुप्ता जी बेचारे सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट खर्चा तो मुझे देना पड़ेगा ना तो ये मेरी जिम्मेदारी है और यही उनका अधिकार है सो so ये रूल तब लगता है व्हेन देयर इज अ ग्रेटिशियस बेलमेंट एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर मेरा बेनिफिट है और गुप्ता जी पैसे नहीं ले रहे अगर ग्रेटिश बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली होगा तो ये रूल नहीं है क्योंकि वहां नेसेसरी एक्सपेंसेस आप उठाओगे तो देखो दो प्रकार के खर्चे होते हैं जब भी कोई भी चीज होती है कोई भी चीज आप दे रहे हैं जैसे कि ये कार हो गई या ये गाय हो गई तो दो प्रकार के खर्चे होंगे एक होगा नेसेसरी एक्सपेंसेस जो उसके रनिंग एक्सपेंस वगैरह टाइप है पेट्रोल वगैरह हो गया ये तो जिसके बिना आप वो यूज नहीं कर पाओगे ये नेसेसरी एक्सपेंस और दूसरे होंगे एक्स्ट्राडनरी कार का एक्सीडेंट हो गया कार पे बिजली गिर गई ये हमेशा ध्यान रखो जितने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं ये हमेशा ओनर उठाएगा अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन अ कॉन्ट्रैक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट में अलग एग्री कर सकते नहीं किया है तो जितने एक्स्ट्राऑर्डनरी नेचर के एक्सपेंसेस हैं नुकसान हैं ये सब ओनर उठाएगा हम बेलर बेली से बात नहीं कर रहे अब ओनर उठाएगा तो बेलर, होता है, तो बेलर उठाएगा। ये सही है बट ओनर उठाएगा पर जो उसके होते है, मत बोलना आप कि बेलर उठाएगा या बेली उठाएगा हम बोलेंगे बेनिफिट मिल रहा है सो तो जितने है, वो वो व्यक्ति उठाएगा जिसको बेनिफिट मिल रहा है बेली को बेनिफिट है तो बेली उठाएगा बेलर को बेनिफिट है तो बेलर उठाएगा और अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट नहीं है नॉन ग्रेटिशियस है तो समझो किराए से कार ले गए थे मैंने किराए से कार दे दिया और मैंने पाँच हजार रुपये किराया ले लिया तो ऐसे केसेस में जो पांच हजार है ना उसमें ऑलरेडी पेट्रोल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं तो यहाँ अलग से नहीं देना पड़ता जैसे आप ओला करते हैं तो ओला में आपसे समझो तीन सौ का बिल हो रहा है तीन सौ रुपये वो ले रहा है तो क्या अलग से पेट्रोल मांगता है क्या हो? कि भैया तीन सौ रुपये ये हो गया और वो पेट्रोल के सौ रुपये और दे दो ऐसा होता है क्या सो तो नहीं वो तीन सौ रुपये में सब इंक्लूडेड है सो तो जब पैसे की बात होती है ना तब ये रूल्स की बात ही नहीं आती क्योंकि वो पैसे में सब इंक्लूडेड होता है जब टेलर के पास आप कपड़े लेके जाते हैं वो सिल के दे रहा है सो तो टेलर ये नहीं बोलता है कि मैंने सिल के तो दिया हूँ पर वो मैं धागा लेके कर आया ये बटन लेके आया या अस्तर लेके आया ये सब का जो खर्चा है वो दे दो अलग से पैसा नहीं लेता उसने अगर दो हजार रुपये चार्ज किया है वो दो हज़ार में ये सब खर्चे इंक्लूडेड हैं ठीक है सो so, जब पैसे ले चुके हैं वहां तो बात ही नहीं आती वहां ऐसा कोई रूल की बात नहीं आती लेकिन जब पैसे नहीं ले रहे हैं तब देखना ज़रूरी हो जाता है बेनिफिट किसको मिल रहा है अगर बेली कोई बेनिफिट है तो पैसे की बात नहीं आएगी मुझे पैसा नहीं देना है आप कार यूज़ कर रहे हैं आप पेट्रोल डालो लेकिन जब मुझे बेनिफिट मिल रहा है गाय वाला एग्जांपल तो जब मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसे केसेस में मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने गुप्ता जी को पैसा देना चाहिए ठीक है सो so, सो आपको क्लियर समझ गया होगा ध्यान रखो ये रूल इसीलिए नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए है केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट है एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर है ये तीन चीजें अगर हैं तो हम बोलेंगे यहां पे रिकवरी की जा सकती है यानी अगर मैं नहीं दूंगा तो गुप्ता जी मुझसे रिकवर कर सकते हैं ठीक है तो दो रूल हो गए पहला ड्यूटी टू द फॉल्ट्स कौन से फॉल्ट्स ग्रेटिशस में नॉन फॉल्ट्स नॉन ग्रेटिश में ऑल फॉल्ट्स दूसरा ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन ग्रेटिश बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर तो पूरा लिख लो इसको ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन केस ऑफ ग्रेटिश बेलमेंट आगे लिख लो फॉर देनिफिट ऑफ बेलर गाय वाला एग्जाम्पल ठीक है गाय वाला एग्जाम्पल गुप्ता जी शर्मा जी तो ध्यान रखो वेयर बाय द कंडीशन ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी कैप्ट और कैरीड ऑर टू हैव वर्क डन अपॉन दैम बाय द बेली फॉर द बेलर फॉर द बेलर फॉर द बेलर मींस बेलर का बेनिफिट है जिसमें एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेमरेशन दैट मीन्स ग्रेटिश है उसको पैसा भी नहीं मिलने वाला वो काम भी कर रहे हैं बेचारा गुप्ता जी मेरी गाय का ध्यान भी रख रहे हैं और मैं कोई पैसा भी नहीं देने वाला हूं तो so, ऐसे केसेस में इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू रीपे द नेसरी एक्सपेंसेस नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बा पर्पज ऑफ द बेलमेट ठीक है, नेसेसरी एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है वो ठीक है तो ऐसा है। तो क्लियर है ये दो पॉइंट कोई भी डाउट ये दो पॉइंट में अभी तक के थर्ड पॉइंट पे चर्चा करेंगे फिर तो so, होप्स so आपको समझ रहा होगा और मैं जैसा आपको वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत मजा आने लगेगा सब्जेक्ट में वो भी हो रहा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है हाँ ये ज़रूर है कि आपको घर पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे क्योंकि अब हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं तो आपको ये ध्यान रखना है आपको रेगुलर स्टडीज़ मेंटेन करना ही पड़ेगा कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा सो तो जैसे अभी तो हम लोग की भी क्लासेस एकदम पूरी प्रॉपर नहीं हो रही है। जैसे बीच में कभी टैक्स की क्लास की छुट्टी है कभी मेरी क्लास नहीं ले पाया मैं या फिर कम टाइम पर ले रहा हूँ तो अभी तो बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है आपको तो आपको ये जो बेनिफिट मिल रहा है यू शुड एनकैश इट आपने प्रॉपरली उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए और रेगुलर जैसा जैसा क्लास में होते जा रहा है वैसा वैसा अगर आप पढ़ते जाएंगे साथ में तो आपको काफ़ी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा तो साथ साथ में पढ़ते जाओ और थोड़ा थोड़ा फिर लिख के देखने के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे वैसे तो इंटरमीडिएट में इतना टाइम नहीं होता फाउंडेशन में काफ़ी प्रैक्टिस आप लोग कर चुके होते हैं और इंटरमीडिएट फिर बहुत आसान हो जाता है अगर फाउंडेशन में राइटिंग प्रैक्टिस हुई है तो नहीं तो फिर यहाँ पर हमको थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा तो अपन वो भी उसके भी उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह भी मिल जाएगा और प्रॉपरली सॉल्व करते जाएंगे उसमें आंसर्स वैसे दिए हुए हैं but still you should write it. तो यहां पे आंसर्स में के लिख के दे देता क्योंकि <coughs> तीन प्रकार की इंडेमनिटी अब हम देखेंगे so, पहले इंडेम्यटी फॉर नो टाइटल इंडेमनिटी फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन एंड इंडेम इंडेम्यूटी बाय वे ऑफ लॉस इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स तो थर्ड ड्यूटी है इंडेमिनिटी इंडेमिनिटी मीन्स नुकसान की भरपाई करना टू so, इंडेमनिफाई कौन कौन सी है तीन है पहला इंडेम्निफाई फॉर नो टाइटल नो टाइटल मीन्स नो ओनरशिप तो देखेंगे फिर फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट और तीसरा ड्यूटी टू इंडेमनिफाई बिली फॉर लॉस इसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस लिख देता हूं मैं टू रिटर्न द गुड्स ठीक है और फोर्थ ड्यूटी भी साथ में लिख देता हूं फोर्थ ड्यूटी है ड्यूटी टू टेक बैक द गुड्स ठीक है तो ऐसा है सो ड्यूटी टू इंडेम्निफाई अब इंडेम्निफाई का क्या मतलब होता है इंडेम्निफाई का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना हम अभी वैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी पढ़ने के हैं बट हम देखेंगे इंडेमिनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान कॉम्पेंसेट करके देना पड़ता है तो इंडेमिनिटी सो so, तीन प्रकार की इंडेमिनिटी की बात की गई है यहाँ पे पहली है फॉर नो टाइटल ये बहुत सिंपल है इंडेमिनिटी फॉर नो टाइटल समझो मैंने आपको एक कार दिया कार मेरे पास थी आपने बोले अरे सर क्या शानदार कार है एक दिन के लिए मैं यूज करूं क्या मैंने आपको दे दिया ये कार चोरी करके लाया था मैंने चोर हूं मैं मैंने चोरी करके वो कार लेके आया था और आपके पास बेलमेंट कर दिया ट्रू ओनर आता है आपके पास से कार लेके जाता है आपके ऊपर केस वगैरह डाली जाती है आपको पांच हजार रुपए का चूना लगता है पांच हजार पे करना पड़ा क्या आप वो पांच हजार रुपए मुझसे नहीं मांगेंगे मांगेंगे जाहिर सी बात है तो ये पांच हजार रुपए क्यों लगा क्योंकि आई वॉज नॉट द नहीं था तो मैंने वैसे गुड्स बेल नहीं करना चाहिए पर मैंने आपके पास वो गुड्स रख दिया असली ओनर जो था उसको पता लगा आपके पास गुड्स हैं आपके ऊपर उसने केस वेस फाइल किया पुलिस कंप्लेंट हुई आपको पैसा वैसा देके बाहर आना पड़ा तो यहां पे आप पैसा क्लेम कर सकते हैं इंडेमनिटी नुकसान की भरपाई करना आपका जो नुकसान हुआ वो नुकसान आप मुझसे रिकवर कर सकते हैं ठीक है इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है अगर हो तो इसे केवल एक संयोग कहा जाएगा वैसे होगा ही नहीं ऐसा थोड़ी होगा चोरी की कार लाऊंगा क्या कुछ भी कुछ भी एकदम अच्छा सो ड्यूटी टू फॉर नो टाइटल टाइटल मीन ओनरशिप तो जब मेरी ओनरशिप ही नहीं थी तो ऐसे केसेस में आई शुड नॉट हैव आई शुड हैव नॉट बेल्ड द गुड्स बट फिर भी मैंने अगर बेलमेंट किया हूं और ट्रू ओनर आपसे रिकवरी करता है और आपको नुकसान होता है तो ऐसे केसेस में यू कैन रिकवर दैट लॉस फ्रॉम मी दिस इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी नुकसान की भरपाई करना ठीक है देन लेट्स रीड इट उतना पढ़ते हैं फिर अगली पॉइंट पे बताता हूं सो फॉर नो टाइटल Indemnity for no title. The first is for no title. So a bailer is bound to indemnify the bailee for any loss suffered by way of uh, by the bailee by reason of the fact that the bailer was not entitled to bail the goods. The bailer was not entitled to bail the goods because of defective title. So my ownership was but I kept it with you. So you can claim that compensation from me. इलू दिया है ए गिव्स इज नेबर्स स्कूटर पड़ोसी की कोई एक चीज़ लिया मैंने स्कूटर लिया वो ला के बेलमेंट कर दिया टू बी फॉर यूज़ विदाउट नेबर्स परमिशन पड़ोसी को पता नहीं उसकी स्कूटर मैंने लिया और ले जाके आपको दे दिया अब जो ट्रू ओनर है आपसे रिकवर करेगा द नेबर्स यूज बी एंड रिसीव्स कॉम्पेंसेशन ए इज बाउंड टू इंडेम्निफाई बी फॉर हिज लॉसेज ठीक है मेरी जिम्मेदारी होगी मैं आपको भरपाई करके दूंगा क्योंकि आपको क्यों खर्चा लगा क्यों दिक्कत गई क्योंकि मैंने जो दूसरे के गुज्स थे वो आपके पास दे दिया तो आपको प्रॉब्लम हुई आप मुझसे रिकवर करो ठीक है सेकेंड फॉर प्रीमे टर्मिनेशन इन केस ऑफ ग्रेटेशल अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ ग्रेटेश ठीक है सो so, इसीलिए देखो अब आपको एक एक जो पॉइंट्स हैं ये सब पॉइंट्स आपको याद आते जाएंगे मैंने चार एग्जाम्पल दिया था कहीं पे कोई एग्जाम्पल काम आएगा कहीं पे कोई और एग्जाम्पल काम आएगा कहीं ग्रेटिशियस इंपॉर्टेंट है ग्रेटिशस बेलमेंट है तो रूल बदलेगा नॉन ग्रेटिश है तो बदलेगा फिर बेनिफिट किसको मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है सो so, आपको वही ध्यान रखना है आपको ये याद नहीं रखना है बेलर जिम्मेदार है बेली जिम्मेदार है ठीक है हम ड्यूटीज बेलर के पढ़ रहे हैं पर आपको ये ध्यान रखना है बेनिफिट किसको मिल रहा है जैसे कि इसके ऊपर वाला ही जो पॉइंट था ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप सिंपल ये ध्यान रख सकते हैं कि हु इज द बेनिफिशरी सिंस बेलर इज बेनिफिशरी तो ही विल बेयर द नॉर्मल एक्सपेंसेस तो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस तो वही बेयर करेगा ओनर बट ये केस में क्योंकि बेनिफिशरी भी वो है तो जो भी नॉर्मल रनिंग एक्सपेंस वगैरह होंगे वो सब भी वही बेयर करेगा ठीक है फिर प्री मेच्योर टर्मिनेशन इन ग्रेटेशस बेलमेंट इसका एग्जाम्पल देता हूं सिर्फ ग्रेटेशस बेलमेंट में लगेगा प्री मैच्योर टर्मिनेशन प्री मेच्योर यानी जितने टाइम के लिए दिया था उतना टाइम मैंने यूज नहीं करने दिया तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन इनकेस ऑफ ग्रेटिश बेलमेंट तो वैसे ग्रेटिशियस बेलमेंट में एज अ राइट आई कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम ये अपन देखेंगे कि ग्रेटिशस बेलमेंट पर इट इज़ नॉट ब्रीच मैंने आपको दिया था गुड्स यूज़ करने समझो आप आए मेरे पास आप बोले सर 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 मेरी शादी है आप शादी कर रहे हैं सर एक मुझे बताओ कि शादी में अब हमारे यहाँ मेहमान बहुत आएंगे तो हमको गाड़ियाँ लगेगी तो मुझे बताओ कोई गाड़ी वाला है क्या जिससे मैं किराए से गाड़ी ले लूँ मैंने बोला अरे कहाँ किराए के पीछे जाते हो एक काम करो मेरी कार है मेरी कार ले जाओ मेरी कार यूज़ कर लेना ये हो गया बेलमेंट आपने बोला सर लेकिन सात दिन को लगेगी मैंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं सात दिन क्या रखो सात दिन यूज़ कर लेना आप मैंने आपको कार दे दिया कितने दिन के लिए दिया मैंने आपको सात दिन के लिए सात दिन के लिए कार यूज़ करने दिया अगर आप इसको रेंट पे लाते किराए से लाते हैं तो आपको कितना रुपया लगा होता सो so, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि अगर आप रेंट पे लाते हैं तो आपको समझो हज़ार रुपया पर डे का लगा होता समझ लो लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि अरे कहाँ रेंट के पीछे जाते हो मैं दे देता हूँ मेरी कार यूज़ कर लो तो मैंने आपको दे दिया यूज़ करने के लिए सो so, आपको हजार रुपया अब नहीं लगना चाहिए तो so, ये रेंट अगर लगा होता तो इतना लगा होता बट क्योंकि मैंने आपको कार यूज़ करने दिया सो so, आपको एक्चुअल क्या हुआ एक्चुअल में इस दिन तो हजार रुपया नहीं लगा पहले दिन नहीं लगा क्योंकि मेरी कार है तो मैं आपसे कोई रेंट नहीं ले रहा हूं मैंने बस कार आपको यूज करने दे दिया दूसरे दिन मैंने घर पे वाइफ को बताया वाइफ बोली अरे शर्मा जी अपनी कार नहीं दिख रही है कहाँ चली गई कार मुझे शॉपिंग पे जाना था मैंने बोला यार वो कार तो मैंने मेरा एक स्टूडेंट है उसकी शादी है तो उसके यहाँ पे दे दिया हूँ बहुत गालियाँ पड़ी मुझे बहुत गालियाँ पड़ी तुमको कुछ समझता नहीं मेरे को शॉपिंग पे जाना था अब मैं कैसे जाऊँगी एक ही तो कार थी तो ऐसा थोड़ी होता है चलो अभी जाके कार वापस लेके आओ अब मैं आपके यहाँ आता हूँ मैं बोलता हूँ यार वो कार वापस चाहिए थी तो पहली चीज ये ध्यान रखो आई हैव अ राइट बिकॉज इट इज़ अ ग्रेटिशियस बिलमेंट ग्रेटेशियस बिलमेंट में आई हैव अ राइट टू टर्मिनेट इट इन बिटवीन मैं विदाउट फॉल्ट आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी मैं दूसरे दिन जाके आपसे वो कार वापस मांग सकता हूँ मैं आपके यहाँ आता हूँ मैं बोलता हूँ यार वो कार वापस चाहिए थी थोड़ी जरूरत पड़ गई ये नहीं बताया मैंने गालियाँ पड़ी मुझे तो वो थोड़ी बताऊँगा सो so, बस थोड़ी जरूरत है तो मुझे कार चाहिए थी तो आप बोलते हैं ठीक है सर आप लेके जाओ आपने मुझे चाबी दे दी है अब आपको कार की जरूरत थी आप तुरंत जाते हैं और तुरंत रेंट पे लेके आते हैं दूसरी कार लेकिन अब वो कार महंगी मिलेगी क्योंकि तुरंत पे रेंट पे चाहिए अगर समझो पंद्रह दिन पहले आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए होते तो आपको हजार रुपए का रेंट लगा होता पर अब तुरंत चाहिए तो वो बोलता है साहब देखो बारह सौ का रेंट लगेगा हजार so, रुपए नहीं आपको एक्चुअल रेंट कितना लग रहा है बारह सौ रुपए आपको रेंट लगना कितना चाहिए था अगर मैं आपसे ये वादा ही नहीं करता अगर मैं कुछ बोलता ही नहीं तो आपको सात हजार रुपए टोटल लगे होते सात दिन के मेरे बोलने से आपको फायदा नहीं हुआ उल्टा आपका नुकसान हो गया मेरे बोलने के कारण आपका नुकसान हो रहा है पहले दिन तो आपका फायदा हुआ पर बाद में जब आपने सात दिन बाद देखा तो आपके गए सात हजार दो सौ रुपए तो यहां पे आपके जो दो सौ रुपए एक्स्ट्रा गए क्यों गए मेरी वजह से क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि आप कार यूज कर सकते हैं और बाद में वादा तोड़ दिया तो ये दो सौ जो है एक्स्ट्रा लग गए आपको जहां सात हजार रुपये में काम हो जाना चाहिए था वहां सात हजार दो सौ रुपये लगे तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं इसके लिए भी आप इंडेमिनिटी क्लेम कर सकते हैं कि सर वो आपने जो किया था गलत हो गया आप भले मेरा फ़ायदा करना चाह रहे थे पर अल्टीमेटली मेरा दो सौ रुपये नुकसान हुआ वो दो सौ रुपये मुझे दे दो तो ये मुझे देना पड़ेगा दिस इज माई ड्यूटी ठीक है सो तो ध्यान रखो इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट आई हैव अ राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन मैं बीच में भी कैंसिल कर सकता हूं इवन इफ यू आर नॉट एट फॉल्ट आपने कुछ गलत नहीं किया फिर भी मैं कैंसिल कर सकता हूं बट अल्टीमेटली कैंसलेशन के कारण अगर कोई नुकसान होगा तो वह मैं भरपाई करके दूंगा नुकसान नहीं हुआ फायदा हो गया आपका तो कोई दिक्कत नहीं बट नुकसान हुआ तो भरपाई होगी तो वही है तो ये लिख लो ये एक्चुअली कॉस्टिंग वगैरह में आप देखोगे कॉस्टिंग में आते हैं ऐसे सवाल बजट क्या था और एक्चुअल क्या हुआ तो जो डिफरेंस है दैट इज योर लॉस वेरिएंस तो ये रेंट जो है ये लगा होता बजट है ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट ठीक है तो इतना एक्सपेक्टेड रेंट था बट एक्चुअल में ज्यादा लग गया आपको सो <laughs> तो कृष्णल का बोलना है सर फर्स्ट डे का पेट्रोल पेट्रोल तो जो व्यक्ति यूज कर रहा है वही भराएगा ठीक है तो ऐसा है तो ठीक है और कोई डाउट यहाँ तक के चलो सो सेकेंड ड्यूटी पढ़ते हैं हम तो ध्यान रखो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि राइट इट इज नॉट ब्रीच सो ये ब्रीच नहीं है वैसे क्योंकि ब्रीच तब होता है जब मुझे अधिकार नहीं है यहां मुझे अधिकार देता है कानून तो हम देखेंगे जब हम देखेंगे देखेंगे जब कि कैसे क्या खत्म होता है बेलमेंट अगर कुछ गड़बड़ करेंगे अनऑथोराइज यूज हो रहा है मिक्स हो रहा है ऐसी कुछ चीजें हो रही है तो यू कैन इट ठीक है so, For premature termination, the next indemnity is for premature termination in case of gratuitous bailment. So, the bailer must compensate the bailey for the loss or damage suffered by the bailey that is in excess of the benefit received where he had lent the goods gratuitously. Gratuitous hai tab and decides to terminate uh, bailment before the expiry of the period of bailment. ठीक है तो ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है वो एग्जाम्पल ध्यान रखो उससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ठीक है और ये ध्यान रखो ये भी लिख लो लगे तो बेलर हैज वैसे आगे पढ़ेंगे हम अ राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट बेलर हैज अ राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट एक काम करो बेलमेंट के बदले ग्रेटिशियस बेलमेंट एनी टाइम एनी टाइम कभी भी वो कैंसल कर सकता है ठीक है एंड इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो ये दूसरी इंडेमनिटी रटने की जरूरत नहीं है याद ऐसे ही रहेगा आपको वैसे एक ही राइट है तो आपको एकदम अंदर तक के पूरी तीनों चीज़ें एकदम रटने की जरूरत नहीं है तो राइट है इनफैक्ट ड्यूटी है ये ड्यूटी जो रहेगी ये राइट बन जाएंगे बेली के ठीक है सो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर तो ड्यूटी टू टर्मिनेट ड्यूटी टू इंडेमनिफाई दी बेली तो इंडेम्निफाई करेगा और यही चीज़ राइट बन जाएगा बेली का दैट मीन्स बेली कैन क्लेम दी इंडेमनिफिकेशन नुकसान की भरपाई करवा सकता है अगला थर्ड पॉइंट एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ लॉस ऑफ रिटर्निंग गुड्स तो वैसे रिटर्न करने का कोई अलग से खर्चा नहीं रहते जैसे मैंने गुड्स दिया था रिपेयर हो गए वो वापस कर देगा तो मैंने आपको कार दिया था आप यूज़ कर लोगे बाद में वापस कर दोगे सो तो जहाँ बोला था वहाँ आप वापस ला दे दोगे लेकिन अगर मैं कोई स्पेशल डायरेक्शंस दे रहा हूं आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो आप कार ला के लेके आने वाले थे मेरे घर के पास बट मैं एक्चुअली घर पे नहीं हूँ ये मेरे घर से पाँच किलोमीटर दूर एक जगह है वहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे आप मुझे ला दो सो so अब बोलते हैं आप ठीक है सर मैं वहाँ पे ला देता हूँ तो so वैसे आप जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ला दोगे दैट इज सफिशेंट बट आप एक्स्ट्रा कुछ खर्चा कर रहे हैं वहाँ तक मुझे गुट्स ला दे रहे हैं जहाँ पर मैं स्पेशल डायरेक्शन दे रहा हूँ तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वहां तक पहुंचाने का तो वो खर्चा आप मुझसे रिकवर कर सकते हैं ठीक है सो एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ लॉस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स रिटर्न करने के जो एक्सपेंस है नॉर्मल खर्चे की तो बात ही नहीं आती क्योंकि वो तो ऑलरेडी फेयर वगैरह में रेंट वगैरह में इंक्लूडेड होते हैं बट एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है स्पेशल डायरेक्शंस के कारण तो so ऐसे केसेस में दैट कैन बी रिकवर्ड द बेलर शुड रियम्बर्स एनी एक्सपेंस विच द बेली मस्ट मी इनकर बाय वे ऑफ लॉस इन द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स और कंप्लाइंग विद द अदर डायरेक्शन फॉर रिटर्निंग द गुड्स ठीक है तो नॉर्मल रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है पर जब कोई स्पेशल लॉस हो रहा है इसके कारण कोई एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है स्पेशल डायरेक्शन के कारण तो ऐसे केसेस में वो खर्चा जो है वो रिकवर किया जा सकता है एंड ड्यूटी टू टेक बैक द गुड्स ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स तो ये फोर्थ ड्यूटी है आपकी तो चार ही ड्यूटियाँ ड्यूटी टू टेक बैक या रिसीव बैक ठीक है तो ये बना लो वैसे तो नहीं भी बनाए तो चलता है पर बना लिए तो कैसा है ना अपने साथ साथ में डायग्राम्स वगैरह बने रहे तो रिविज़न भी साथ साथ में होते जाता एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ आपको ये और भी कोई डायग्राम बनाना होगा तो शेयर कर देता हूँ एक सेकेंड हाँ तो आपको कितना क्लियर दिख रहा है मुझे नहीं पता दिखना तो चाहिए वैसे ये एक हो गया इसके अलावा बाकी तो आपने बना लिए होंगे मे बी और ये भी बना लो ये तो खैर बट बना लो डायग्राम नहीं है बट ये लिख लो ये भी ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ होती है तो इसीलिए ये भी पॉइंट जो मैं लिखते जाता हूँ ना ये आप भी लिख लिया करो बुक में तो आपको फिर अंदर पढ़ना नहीं पड़ता अगर आपने सिर्फ हेडिंग पढ़ी और काऊ पढ़ लिया तो आपको याद आ जाएगी चीज़ें ठीक है और आखिरी वक्त में यही चीज़ें काम आती हैं ठीक है, है? आखिरी वक्त है ना एग्ज़ाम का टाइम तो वो नहीं है आखिरी वक्त एक क्वेश्चन आया है ख़ुशी का सर वो एग्ज़ाम्पल में पर डे दो सौ रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो पूरा टोटल लॉस मानेंगे या सिर्फ दो सौ हाँ दो सौ ही लॉस हो रहा है आप कैसे भी कैलकुलेट करो वो कैलकुलेशन के कारण आप ऐसा बोल रहे हो आप दूसरे एंगल से कैलकुलेट करो उतना ही लगेगा तो आपका ये बोलना है ना कि सर पूरा लॉस कितना हो रहा है तो यहाँ दो दो सौ रुपये हर दिन एक्स्ट्रा लगे तो यहाँ दो सौ हो गया यहाँ दो सौ हो गया, गया। कैलकुलेट करके देखो दो सौ हो गया दो सौ हो गया ये दो सौ और ये दो सौ तो टोटल आपका ये बोलना है कि सर टोटल लॉस तो यहाँ पे हो रहा है बारह सौ रुपये का तो आपका ये बोलना है बट बारह सौ हो रहा है लेकिन ये फ़ायदा भी तो हो रहा है ना इसको क्यों छोड़ेंगे हम तो ये जो हज़ार का फायदा है ये हज़ार का फ़ायदा इससे ऑफसेट करो और अल्टीमेटली ऐसा भी कैलकुलेट करोगे तो दो का ही लॉस आएगा ठीक है तो यू कैन कैलकुलेट आइदर वेज ठीक है क्लियर है आप पढ़ेंगे कॉस्टिंग वगैरह में कुछ आती हैं ऐसी चीजें कैपिटल बजटिंग वगैरह टाइप की चीज़ें उसमें ये सब आपको देखने को मिलेगा तो जब आप आउटफ्लो देखते हैं पैसा इतना जा रहा है तो यू शुड ऑल्सो कंसिडर द इनफ्लो भले ये मिला नहीं आपको बट यू शुड कंसिडर इट कि इट इज अ सेविंग आपका बचा तो है ना वो सो दैट इज अ सेविंग तो दिस शुड ऑल्सो भी कंसिडर्ड चलो तो आखिरी ड्यूटी है ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स गुड्स वापस लेना ये भी जिम्मेदारी होती है सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द बेली रिटर्न्स देम तो वापस लेना सो so ये अधिकार भी है और ये जिम्मेदारी भी है आप बोलेंगे सर ये जिम्मेदारी कैसी है अधिकार तो ठीक है मैंने गुड्स दिया आपको कार आप मुझे वापस करेंगे नहीं करेंगे तो मैं क्लेम कर सकता हूँ दिस इज माई राइट बट ये मेरी जिम्मेदारी है आप कार लेके आए हैं मेरे घर के सामने खड़े हैं मैं रिसीव ही नहीं कर रहा मैं बोल रहा हाँ रुको दस मिनट रुको पंद्रह मिनट रुको एक घंटा हो गया आप रुके ही हैं बेचारे तो मेरी जिम्मेदारी है वापस लें गुड्स को समझो मैंने कोई आयन वगैरह है आयन कहीं पे बेलमेंट के तौर पे दिया था अब वो मुझे वापस ला दे रहा है वापस ला दे तो रहा है पर मैं उसको वापस नहीं ले रहा हूँ अब वो कहाँ लेके जाएगा बेचारा तो समझो उसको कहीं गोडाउन वगैरह किराए से लेके कर वहाँ पर स्टोर करना पड़ा क्योंकि आयन है बाहर रखा रहेगा ख़राब हो जाएगा या अनाज है कोई अनाज मैंने बेलमेंट के रूप में दिया था वो मुझे आज वापस मिलने वाला था अब आज मैं देख रहा हूँ मेरे गोडाउन में ही जगह नहीं है तो मैं सोचता हूँ चलो इसको और दो दिन रहने देते हैं सो तो मैंने बोला कि आज मैं वापस नहीं लूँगा अब वैसे आज मुझे वापस ले लेना चाहिए था नहीं ले पा रहा हूँ सो आगे वाले का नुकसान हो रहा उसको कहीं गोडाउन में स्टोर करना पड़ रहा है सो so, वो जो नुकसान होगा वो मैं भरपाई करके दूंगा सो इट इज़ माई ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स टू टेक बैक द गुड्स टू एक्सेप्ट द गुड्स और अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो ऐसे केसेस में अगर आगे वाले का नुकसान हो रहा है तो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये अगर हो रहा है तो तो अगर उसका नुकसान हो रहा है तो, रहा है, तो ऐसे केसेस में आई विल बी लाइबल टू कॉम्पेंसेट हिम तो वही दिया है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स वेन द बेली रिटर्न देम आफ्टर द टाइम ऑफ बेलमेंट हैज़ एक्सपायर्ड

यहाँ तक कोई डाउट कोई भी डाउट छोटा सा पॉइंट इतना पढ़ के आज कंप्लीट करेंगे अपन यहाँ तक के फिर बेली का राइट ऑफ लीन जो है ये अपन आज नहीं कर पाएंगे राइट्स पे हम चालू कर देंगे चर्चा बट राइट्स पूरे नहीं हो पाएंगे आज राइट ऑफ लीन हम कल की क्लास में देखेंगे तो राइट्स में थोड़ी बहुत चर्चा आज करते हैं अपन कोई भी डाउट यहां तक चलो ठीक है सो कोई डाउट नहीं है हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा वॉट आर द राइट्स ऑफ बेली अब हम राइट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पहली एक चीज बता दूं कि आपको ड्यूटीज पूछी जाती हैं ज्यादातर आप एग्जाम में देखोगे ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं राइट्स के ऊपर थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली ये सेम है क्योंकि सिर्फ कुछ राइट्स अलग और नए देखेंगे हम बाकी सेम है एक्चुअली आप देखो इस डायग्राम से तो जितनी भी ड्यूटीज है बेली की क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यही बेलर के राइट्स भी हो जाएंगे अगेंस्ट द बेली तो यस ये जो ड्यूटी है रीजनेबल केयर करना बेली की जिम्मेदारी है कि उसने गुज्स का रीजनेबल केयर करना चाहिए सो तो मेरी मेरा यहां अधिकार हो जाएगा बेलर का ये राइट हो जाएगा कि ही शुड टेक द रीजनेबल केयर वैसे ही बेली की जिम्मेदारी है ही शुड नॉट डू एनी अनऑथोराइज यूज मेरा ये अधिकार हो जाएगा कि तुम अनऑथोराइज यूज नहीं करोगे ड्यूटी है उसकी वो मिक्स नहीं करेगा बिना पूछे ये मेरा अधिकार है ही शुड नॉट मिक्स उसकी ड्यूटी है रिटर्न करना विदाउट डिमांड ये मेरा राइट right है उसकी ड्यूटी है एक्शन वापस करना यह मेरा राइट right है बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखोगे तो जो ड्यूटीज ऑफ बेलर हैं वही ड्यूटीज ऑफ बेली हो जाएगी वही दिया है सॉरी राइट्स ऑफ बेली हो जाएंगे सो so, डिस्क्लोज करना फॉल्ट्स ये बेलर की जिम्मेदारी है बेली का अधिकार है अगर डिस्क्लोज नहीं किया था तो वो कॉम्पेंसेशन मांग सकता है बेलर की जिम्मेदारी थी नेसेसरी एक्सपेंसेस वापस करो इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर बेली का यही राइट right हो जाएगा वैसे ही इंडेमनिटी बेलर की जिम्मेदारी है इंडेमनिटी करके देना और बेली का ये राइट हो जाएगा और टू टेक बैक दी गुड्स तो वही है सेम है ठीक है बट ये तो हो गई आपस के राइट्स की बातें आपस में इसको राइट्स मिलेंगे एक दूसरे के ऊपर लाइक बेलर को राइट मिल रहा है बेली के ऊपर बेली को राइट मिल रहा है बेलर के ऊपर पर और भी तो कुछ राइट्स हो सकते हैं जो हम थर्ड पार्टी के ऊपर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं सो उसके ऊपर भी हमको चर्चा करना है तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेली बेली के अब अधिकार ध्यान रखो किसकी बात कर रहे हैं बेली के बेली सो so, डायग्राम से ध्यान रखो हम बेली के अधिकार की बात कर रहे हैं तो so, ए ने अगर बी के पास गुड्स बेल किया था तो हम इसके अधिकार की बात कर रहे हैं बेली के ठीक है जिसके पास पोजेशन रखा गया है तो so, क्या क्या अधिकार है इसका तो so, वही जो जिम्मेदारियां थी अभी हमने इसकी जिम्मेदारियां पढ़े वो तो so, देखो द ड्यूटीज ऑफ द बेलर आर द राइट्स ऑफ द बेली बेलर की जिम्मेदारियां बेली के अधिकार एज सच द बेली कैन बायूट एनफोर्स द ड्यूटीज ऑफ द बेलर एन्यू रिकेपिटलेट एक बार रिवाइज करने के लिए द बेली हैज द फॉलोइंग राइट अगेंस्ट द बेलर बेस्ड ऑन द बेलर ड्यूटीज डिस्कस्ड अबाउ राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर लॉस अराइजिंग फ्रॉम द अनडिसक्लोज फॉल्स इन द गुड बेल्ड तो वही है कि अगर कोई फॉल्ट नहीं बताए अनडिसलोज हैं तो उसका पैसा लिया जा सकता है जैसे गाय ने मारा यह चीज मैंने बताना चाहिए था नहीं बताया सो आई विल बी लाइबल राइट टू क्लेम रियम्बर्समेंट केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट पूरा लिखो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर यह जोड़ लो आगे <coughs> फिर राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द लॉस सफर्ड बाई रीजन ऑफ हिज डिफेक्टिव टाइटल तो डिफेक्टिव टाइटल का बुलाए या बाकी भी इंडेमिनिटी जो भी है सभी इंडेमिनिटी एंड राइट टू क्लेम कॉम्पेसेशन फॉर एक्सपेंसेज इनकर्ड फॉर सेफ कस्टडी तो अगर वो रिफ्यूज करता है इफ़ द बेलर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बेल्ट ठीक है सेम कोई डाउट यहाँ तक के सिंपल है यहाँ तक के ये जो है चारों ये कुछ नया नहीं है ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर में ठीक है दीज आर नथिंग बट ड्यूटीज ऑफ बेलर फिर अब कुछ एक्स्ट्रा के राइट्स वैसे हमको तीन राइट अभी पढ़ना है ये लीन जो है ये अगली क्लास में पढ़ेंगे काफी डीप में जाना है हमको इसमें तो पहला राइट टू तो डिलीवर द गुड्स टू वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट बेलर अगर एक से ज्यादा बेलर है एंड देर इज नो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कि गुड्स किसको वापस करना है तो ऐसे केसेस में ही कैन रिटर्न इट टू एनी वन जैसे कि समझो मैं हूं एक मेरी फ्रेंड है इलियाना और एक और मेरी फ्रेंड है दिशा तो हम लोग तीन फ्रेंड्स हैं तीनों फ्रेंड्स ने मिलके एक कार खरीदे थे एक कार है तीनों फ्रेंड्स ओनर हैं हमने इसको बेलमेंट के तौर पे दे दिया या तो किराए चला चलाते हैं समझो हमने इसको बेलमेंट के तौर पे दे दिया हाँ सो हमने इसको बेलमेंट के तौर पे दे दिया टू एनी पर्सन अब वो वापस किसको करेगा तो किसी एक को भी कर सकता है वो या तो मुझे वापस ला दे या दिशा को लाके दे दे या इलियाना को ला दे किसी को भी लाके वो वापस दे सकता है ठीक है सो so, जब एक से ज्यादा बेलर है सेवरल जॉइंट बेलर्स तो किसी एक के पास भी वो ले जाके अगर वापस कर देगा तो दैट विल बी अ वैलिड रिटर्न ठीक है तो so, यहाँ पे कार हमने किसी और व्यक्ति को दे दी थी तो ही कैन रिटर्न इट टू एनी ऑफ द जॉइंट बेलर्स इधर मुझे ला दे या इसको ला दे या इसको ला दे किसी को भी ला वो दे सकता है अकॉर्डिंग टू द डिरेक्शन ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल बाकी से पूछना भी नहीं है डायरेक्टली एक ने बोलाना वैसा कर दो इन दबसेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी अगर इसके विपरीत कुछ और होगा तो फिर वैसा होगा अगला पॉइंट राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज तो ऊपर तक जो हमने राइट्स पढ़े ये आपस के राइट थे ये जो राइट हैं ये बेलर और बेली के बीच के राइट्स हैं लेकिन ये अब है थर्ड पार्टी पे राइट लेना थर्ड पार्टी पे राइट एक्सरसाइज करना जैसे समझो मैंने आपको मेरी कार दे दिया कार दिया था मैंने आपको आपको समझो बेलमेंट के रूप में आप कार लेके जा रहे हैं आप बोले सर वो मेरे घर पे थोड़े मेहमान थे उनको शाम को रेलवे स्टेशन छोड़ना था और मेरी कार थोड़ी आज खराब है तो आपकी कार मिलेगी क्या मैंने बोला ठीक है आप मेरे यहाँ आ जाना मेरी कार ले जाना तो मैंने आपको कार यूज़ करने को देने का तय किया अब आप आते हैं मेरे यहाँ कार की चाबी लेते हैं चाबी लेके नीचे जा रहे हैं आप मेरी कार खोल रहे थे उतने में हमारी कॉलोनी का एक व्यक्ति है पप्पू वो पप्पू आ गया उसने आपको पकड़ा और बोला तू कहाँ कहाँ लेके जा रहा है शर्मा जी की कार शर्मा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कहाँ चोरी करके लेके जा रहा है सो so, जबकि आप मेरे इच्छा से लेके जा रहे थे बट वो आपको पकड़ता है और आपको यूज़ नहीं करने दे रहा आप बोल रहे हैं उसको समझा रहे हैं समझाने नहीं दे रहा अब इस चक्कर में लेट हो गया आप आधा घंटा हो गया झगड़ा हुआ बाद में फिर सुलझा जब सुलझा तब फिर आपने टाइम देखा फिर आपने देखा यार अब तो ट्रेन निकल चुकी होगी तो आपके मेहमान जो है आपके ऊपर चिपक गए चिपक गए ना आपके घर पर रह गए तो आप यहां पे compensation रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम दैट पर्सन पप्पू से पप्पू ने आपको गुड्स यूज नहीं करने दिया आपकी टिकट वेस्ट हुई फिर से आपको नई टिकट निकालना पड़ा सो तो ये जो खर्चा हुआ जबरदस्ती का ये आप रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम दैट थर्ड पार्टी क्योंकि उसने आपको यूज नहीं करने दिया वेन यू वर एंटाइटल टू यूज द गुड्स बट उसने यूज नहीं करने दिया एंड यहां पे मैं भी रिकवर कर सकता हूं अगर मेरा भी कोई नुकसान हुआ होगा उस चीज के कारण क्योंकि उसने यूज नहीं करने दिया तो तो ऐसे केस में आई कैन ऑल्सो रिकवर इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन ठीक है तो पप्पू तो पप्पू से दोनों जन एक्शन लेके रिकवर कर सकते हैं इफ द इफ दैट पार्टी रॉन्गफुली डिनाइज द बेली ऑफ द राइट टू यूज द गुड्स तो सूट बाय बेलर एज वेल एज बेली अगेंस्ट द रोंग डूअर्स रॉन्ग डूअर यानी जो आपको गुड्स यूज नहीं करने दे रहा या गुड्स का कोई डिस्ट्रक्शन कर रहा है वो तोड़फोड़ कर रहा है तो ऐसे केसेस में उसके अगेंस्ट आप भी एक्शन ले सकते हैं अगर आपका नुकसान होगा तो और मैं भी एक्शन ले सकता हूँ सो बेलर एंड बेली बोथ कैन रिकवर बोथ बेलर एंड बेली हैव अ राइट टू सीव अ थर्ड पार्टी हु हैज डिप्राइब द बेली टू यूज और पजेस द गुड्स बेल्ड तो जो यूज नहीं करने दे रहा एनी रिलीफ ऑप्टेंड अगेंस्ट सच डिप्रेबेशन और इंजरी शेल बी शेयर बिटवीन बेलर एंड बेली अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट फिर एक और नॉर्मल सा राइट है अगर समझो मैंने चोरी करके लाया एक कार और आपको दे दिया आप यूज कर रहे हैं तीन दिन के लिए आप लेके गए थे तीन दिन बाद आप मुझे वो कार वापस कर देते हैं अब ट्रू ओनर आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है क्या आपने कार मुझे वापस कर दी जबकि मैं ओनर नहीं था तो ट्रू ओनर आपको ये बोल सकता है क्या ऐसे कैसे तुमने उनको वापस किए मेरी कार थी तो नहीं यू विल नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी टूवर्ड्स दैट थर्ड पार्टी तो आपने मुझसे लेके गए थे मुझे लाके दे दिए भले ही चोरी की कार है तो भी यू आर नॉट लाइबल टूवर्ड्स थर्ड पार्टी तो वही लिखा है राइट टू डिलीवर द गुड्स इन गुड फेथ गुड फेथ यानी जहां आपको कुछ गड़बड़ के बारे में नहीं पता है टू बेलर विदाउट टाइटल आई एम विदाउट टाइटल आई एम नॉट दी ओनर सो द बेली हैज अ राइट टू डिलीवर द गुड्स इन गुड फेथ टू द बेलर विदाउट टाइटल विदाउट इनकरिंग एनी लाइबिलिटी टूवर्ड्स दी ट्रू ओनर ठीक है सो so, ऐसा है इसके बाद के जो राइट्स हैं राइट्स ऑफ लीन ये अपन अगली क्लास में देखेंगे यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं अगली क्लास में हम इसके आगे की चर्चा फिर करेंगे कोई भी डाउट हाँ एक क्वेश्चन आया है सरफ़ बेलर ने गुट्स वापस नहीं लिया और उसके बाद गुट्स डैमेज होते हैं तो क्या बेली को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा तो इसके बाद अगर गुट्स खराब होते हैं डैमेज होते हैं आफ्टर इवन आफ्टर रीजनेबल केयर तो फिर यहाँ पे ओनर का ही नुकसान है ठीक है बट रीजनेबल केयर आपको करना पड़ेगा जब तक कि वो वापस नहीं लेगा तो आपको उसको सेफ कस्टडी में तो रखना ही पड़ेगा जैसे आपने समझो से कुछ लेके गए थे अब मैंने वापस नहीं लिया तो उसका यह मतलब नहीं आप घर के सामने छोड़ के चले जाएंगे नौ लाख का हार था आपने बोले सर वो रख दिया घर के सामने आप ले लेना ऐसा नहीं चलेगा तो यू विल हैव टू टेक दी केयर तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे छपड़ी हुई चीज है तो so उसका आपको एक रीजनेबल केयर करना ही पड़ेगा ठीक है हाँ और कोई डाउट चलो ठीक है सो लेट्स कंक्लूड टू क्लास अगली क्लास में अपन इसके आगे का डिस्कशन करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप एक बार घर पे पढ़ो और कुछ भी लगे तो आप पूछो चलो थैंक यू